चक निरातुल की दलित बस्ती में है, जहां पे कल पीडीए के लोगों ने आकर गरीब मजदूर दलितों का घर, उनके जो छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी उनको उजाड़ दिया है। आप देख सकते हैं, एक तरफ सरकार कोरोना कोरोना चिल्ला रही है, संक्रमण संक्रमण चिल्ला रही है, ऐसे में जब इन गरीबों को रहने के लिए छत देनी चाहिए थी, इनको वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए थी ताकि बीमारी की रोकथाम हो सके, ऐसे में जबकि इनको खाने का सामान दिया जाना चाहिए था, आप देख सकते हैं कि कितने परिवार बेघर हो गए हैं। औरतें बच्चे आदमी सामानों के साथ अपने यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई जगह नहीं है कि ये आखिर कहाँ जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप इनके घरों को देखिए कि किस तरीके से इनके घरों को आकर उजाड़ दिया गया है। ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। इलाहाबाद के जनप्रतिनिधि जिन्होंने वोट लिया था इनसे, जिन्होंने इनकी बात की थी, आज वो कोई कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी इलाहाबाद आते हैं और दलितों का पैर धुलते हैं, लेकिन जब दलितों के घर के ऊपर से छत छीन ली गई है तो कोई नहीं, किस तरीके से अपना सामान बाहर निकाल कर यहाँ पर बैठे हुए। बहुत बड़ा सवाल है कि जब इतनी तेज धूप पड़ रही है, जब गर्मी रोज तेजी से बढ़ती चली जा रही है, कोरोना के संक्रमण का दूसरी वेव शुरू हो गई है, लोगों के पास जगह नहीं है, एक तरफ चालान काटा जा रहा है। सवाल है कि ये औरतें ये बच्चे, अगर आप लोग इनको दिखा सके, ये औरतें ये बच्चे अंदर की तरफ से जो बची है, पीडीए कहता है कि अतिक्रमण हटा दिया है, गरीबी हटाने इस बात का है कि आपने दलित बस्ती और गरीबों को उजाड़ दिया है। गरीबी हटाए जाए, देश का कानून कहता है कि राइट टू शेल्टर, रहने का लोगों का अधिकार है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि गरीबों की घरी बस्ती, भले ही वो अवैध क्यों ना हो, गरीबों की घरी बस्ती आपको उजाड़ने से पहले उनको कहीं घर देकर बसाना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार के लोग कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। जो वोट दलितों के नाम पर लेते हैं, जो देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटते हैं, आप देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे। ये बच्ची इस घर में रहती है, लेकिन इस बच्ची के पास आज कुछ नहीं बचा। ये औरतों को देखिए, ये घर देखिए, आखिर आप इनको उजाड़ के यहाँ कौन सा मॉल बनाना चाहते हैं, आप कौन से पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। इससे शर्मनाक दिन इस देश के पास और उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के पास नहीं हो सकता। ये वही धर्म और संस्कृति के ठेकेदार हैं जो भगवान की बात करते हैं, जो संस्कृति की बात करते हैं, जिस संस्कृति में चिड़िया का घोंसला उजाड़ना भी गलत माना गया हो, वहाँ पर आपने इन गरीबों का परिवार उजाड़ दिया है, घरों को उजाड़ दिया है। कहाँ जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। हम इस देश से अपील करते हैं कि सब लोग इस लड़ाई में साथ आइए और इन परिवारों को बसाने के लिए आप लोग एकजुटता बनाइए।